दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 20I स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी एक्स और वाई का हम लोगों को वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई लाइन है, मान लीजिए यही लाइन है, पहला लाइन मान लीजिए सपोज दैट 4x + 3y = 5 है, ये लाइन मान लीजिए सपोज दैट ये है, इसको लिख देते हैं 4x + 3y = 5। और दूसरा लाइन मान लीजिए सपोज दैट ये है, जैसे मान लीजिए है x = 2y - 7 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि ये पॉइंट, मान लीजिए सपोज दैट ये P है और ये x, y है, तो ये x, y का वैल्यू हम लोग का फाइंड करने के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब हो गया कि x, y का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करें, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वहां से जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। देखिए पहला इक्वेशन है हम लोग 4x + 3y = 5 है, ये इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है x = 2y - 7 है। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि पहले एक्स वाला टर्म लिखेंगे, फिर वाई वाला टर्म लिखेंगे, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट को लिखेंगे, एक्स के साथ वाई वाला लिखेंगे। इस +2y को क्या कीजिए, इधर ले आइए, ये हो जाएगा x - 2y = -7। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया। ओके, क्या किया, y वाले को हम लोग क्या किया, इधर शिफ्ट कर देते, x - 2y = -7 हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों देखिए लाइन को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड है। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, उसके बाद है एलिमिनेशन, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी मेथड से यूज करके इसको, इस दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है कुछ, यहाँ पे 1 है। तो हम एक्स वाले को यहाँ पे इक्वल करते हैं, तो एक्स का कोएफिशिएंट 4 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे 4x + 3y = ये हो जाएगा 5। अब इस इक्वेशन को क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि x का कोएफिशिएंट क्या बना रहे हैं, 4, मतलब x को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं। 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4x - 4 को -2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8y, 4 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -28। ओके, अब देखिए जिसको हम लोग इक्वल किए उसका साइन यदि सेम रहेगा, साइन क्या होता है, चेंज होता है। देखिए यहाँ 4x है, इसको हम लोग इक्वल किए हुए हैं, सेम साइन है ++, इसका हम साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए बीच वाला साइन क्या होता है, हाइड हो जाता है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11y = ये प्लस और ये प्लस, बीच वाला साइन हाइड हो जाता है, 28 + 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 11y = हम लोग को मिल गया 33, देयरफॉर y = हम लोग को मिल जाएगा 33/11, कैंसिल हो जाएगा, 3 times ये हो जाएगा y = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, y का वैल्यू हमें मिल गया, और y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट y = 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है हम लोगों को 4x + 3y = क्या 5 है, यहाँ y की जगह पर 3 पुट कीजिए तो हो जाएगा 4x + 3 * y की जगह पर 3 = 5 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को 4x + 3 * 9 = हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4x = ये 5 + 9 को इधर शिफ्ट कर दीजिए -9, ये हो जाएगा 4x = हो जाएगा -4। यहाँ से x का वैल्यू मिल गया -4/4, इसको कैंसिल कर लीजिए, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया -1। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग क्या लेट किए थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट किए थे x, y। ओके, लेकिन देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस, पॉइंट था P, x, y था, यानी कि P x का कोऑर्डिनेट कितना, x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है 3। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -1, 3 क्या हो जाएगा, इसका
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी मेथड से दोस्तों हम लोग एलिमिनेट करके इसको हम लोग किसी भी मेथड से इसका यूज करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग के पास में तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि शो दैट द लाइंस एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू 23 एंड 5x plus 2y equal to 16 intersect at the point 2,3। क्या अगर हम लोग शो करने के लिए कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन था ही है, हम लोग पहले क्या क्वेश्चन में क्या किए थे, इस दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व किए थे और वहां से क्या हुआ, x और y का वैल्यू आया था, जो आया था वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। इसमें कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही आएगा। ओके देखिए इसको इजी सॉल्व कर लेंगे तो आप लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू क्या 23 है, इसमें इक्वेशन वन मान लेंगे और ये है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, ये इक्वेशन हो गया टू। अब दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। x का कॉप्शन यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे x का कॉप्शन नहीं कुछ है तो ये 1 है, तो 1 को 5 बनाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 टर्म को करेंगे, देखिए 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 को 7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 5 2 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 16। देखिए जिसको हम लोग इक्वल किए हैं उसका साइन सेम है, प्लस प्लस है यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये बीच वाला साइन तो ऐड हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 33 और वाई बड़ा साइन है प्लस का तो इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कर लीजिए ये हो जाएगा हम लोग कितना, देखिए 15 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 9, 15 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोगों को 15 में 6 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा हम लोग 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके यहाँ से देखिए वाई का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 99 अपॉन में 33, कैंसिल कर दीजिए 11 3 33, 11 9 99, 3 से कैंसिल कीजिए 3 3 का, तो y का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया 3 मिल गया। ओके अब इस y का वैल्यू क्या कीजिए किसी भी इक्वेशन में क्या कीजिए पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम लोग क्या है बताइए x, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 7y इक्वल टू 23 यहाँ पुट कर दीजिए, लिखेंगे वी गेट ये हो जाएगा x प्लस 7y इक्वल टू 23, ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू y, y का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 23, x प्लस 21 इक्वल टू हो जाएगा 23, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 21 प्लस 21 को उधर शिफ्ट कर दिए x इक्वल टू हो जाएगा 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, लेकिन देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है x कॉमा y, x का वैल्यू 2 कॉमा y का वैल्यू कितना 3। दोस्तों देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कितना है 2,3 और यहाँ पे देखिए शो कितना करना था 2,3, इसका मतलब क्या हो गया प्रूफ हो गया, लिखेंगे हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शो दैट द लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 कॉमा 7x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 45 आर कनकरेंट। दोस्तों ये कनकरेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारा लाइन जो पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं कनकरेंट बोलते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लीजिए सपोज दैट एक पॉइंट मान लीजिए सपोज दैट ये है, इससे क्या होता है तीनों लाइन पास हो रहा है, पहला लाइन ये मान लीजिए दूसरा लाइन और ये मान लीजिए तीसरा लाइन, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कनकरेंट बोलते हैं, मतलब वैसा पॉइंट जिसपे तीनों लाइन पास कर रहा है, मतलब वैसा पॉइंट जिससे होकर बहुत सारा लाइन पास हो रहा है। तो मान लीजिए सपोज दैट इसका हम लोगों को बताना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा और साथ में ये शो करना है कि ये क्या है कनकरेंट है। कनकरेंट के लिए क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से मान लीजिए तीनों लाइन पास होगा, तीन लाइन दिया तीनों लाइन पास हो गया,
मान लीजिए अभी जैसे हम लोग दो लाइन का बात करते हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसका दो लाइन का इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, और तीसरा भी लाइन कह रहा है कि इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस लाइन को क्या थर्ड लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो यही काम दोस्तों हम लोग इसमें करना है कि पहले इसको शो करना है कि ये क्या है, कंकरेंट है। कंकरेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इस दो लाइन से हम लोग क्या करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू जो आएगा एक्स कॉमा वाई का जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को हम लोग क्या करें थर्ड लाइन में क्या करें पुट करेंगे, यदि सेटिस्फाइड कर जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कंकरेंट है। सेटिस्फाई तो करेगा ही क्योंकि इसको शो करने के लिए कंकरेंट है। देखिए हम लोग करना है इसमें यही चीजें, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन लाइन, लिखेंगे गिवन लाइंस, पहले किसी दो लाइन को यहां से नोट कीजिए। देखिए 3x - 4y + 5 = क्या है, जीरो। इस प्लस फाइव को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 3x - 4y = कितना हो जाएगा -5, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड वाले को कॉपी कीजिए यहां से, तो 7x - 8y और ये +5 = है जीरो, ये हो जाएगा 7x - 8y +5 उधर शिफ्ट करें तो जाएगा -5 = क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहला लाइन है इसका इक्वेशन मान लीजिए सपोजेट ये है 3x - 4y = -5, और ये मान लीजिए सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन मान लीजिए सपोजेट ये है, तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं 7x - 8y = -5। ओके, ये सेकेंड लाइन हो गया। ओके, अब यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशियंट को हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं, एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, वाई वाले को भी इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कितना 7 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 और 7 के टेबल में पहला कॉमन नंबर क्या होता है 21 होता है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखिए जब 7 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 से सारा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जाओगे 21x -7 4 जाओगे 28y = 7 - 5 हो जाएगा -35। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 21x - 24y = ये हो जाएगा -15। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए जिसको हमने इक्वल किया उसका साइन सेम है, ये प्लस प्लस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन होता है, ये तो आप लोग जानते हैं क्लास 10th में कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए बीच वाला साइन क्या होता है हाइड हो जाता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो 24 में से 28 जाएगा तो हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा वाई हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो 15 में से 35 जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग कितना -20 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4y = हो जाएगा हम लोग को 20, यहाँ से y = हो जाएगा 20/4 कैंसिल कर लीजिए तो 5 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 5 हो गया। ओके, अब इसका वैल्यू क्या कीजिए किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट, लिखेंगे पुट y = हो जाएगा पुट y = 5 इन इक्वेशन, पुट y = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोग क्या है, देखिए इक्वेशन 1 है हम लोगों को 3x - 4y = -5, ये हो जाएगा 3x - 4y = -5, यहाँ पुट कर लिए 3x - 4 × 5 = -5। आगे देखिए 3x - 20 = देखिए 3x - 20 = हो जाएगा -5। आगे देखिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 3x = -5 पॉजिटिव रहेगा, -20 को राइट साइड में शिफ्ट कर दे +20 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को 3x = 20 में से 5 जाएगा तो जाएगा 15, तो x = हो जाएगा 15/3 कैंसिल कर दीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा 5। ओके, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकल गया x, y यानी कि 5, 5। अब दोस्तों देखिए कंकरेंट लाइन शो करना है, कंकरेंट लाइन का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सेम ही होगा, क्योंकि तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है
तो इस लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए, थर्ड वाला लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखेंगे कि दिस पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई लाइन, जो थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन क्या था, देखिए थर्ड लाइन हम लोगों को दिया गया है यहां पे 4x plus 5y equal to 45। देखिए यहां पे 4x plus 5y equal to 45, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए थे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके, ये पॉइंट जो है इसी पॉइंट से लाइन क्या होगा, पास करेगा, क्योंकि तीनों का जो है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम ही है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, x के जगह पे 5, y के जगह पे 5 क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, 45 भी दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंकरेंट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिए पिछला पेज में इक्वेशन दिया था 4x plus 5y equal to 45, ऐसे पुट करना x के जगह 5 और y के जगह 5 पुट करना है, जैसे 4 into 5 plus 5 into 5 equal to 45। आगे देखिए, तो जगह 20 plus 25 equal to 45। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 20 plus 25 क्या हो जाएगा, 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45। तो दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन क्या हो जाएगा, कंकरेंट हो जाएगा। लिखेंगे हेंस गिवन लाइंस आर कंकरेंट। ओके, ये हम लोग प्रूफ हो गया। और हम लोग कर रहा था इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोस्तों कितना आया था, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया था, 5.5। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कंकरेंट। क्या कह रहा है, k का वैल्यू फाइंड कीजिए जब ये लाइन और ये लाइन क्या है, कंकरेंट है। तो पहले आप लोग लिखेंगे गिवन लाइन, गिवन तो पहला लाइन है हम लोगों को 3x minus y minus 2 equal to 0, तो ऐसे लिख लीजिए 3x minus y, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दीजिए, इक्वेशन 3x minus y minus 2 उधर शिफ्ट किए तो हो जाएगा +2 equal to 2, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। सेकंड हम लोग को दिया गया 5x plus ky minus 3 equal to 0, यहाँ हम कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 5x plus ky equal to क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और थर्ड देखिए, थर्ड हम लोगों को दिया गया है कि 2x plus y minus 3 equal to 0, यहाँ से हो जाएगा 2x plus y equal to 3, ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों को 3। अब कह रहा है कि ये तीनों लाइन क्या है, कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। ये और ये लाइन क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, ये हम लोगों को दिया गया है। क्या कह रहा है, ये हम लोगों को दिया गया और कंकरेंट है, तो हम लोग को बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। इसमें दोस्तों देखिए, के वाला जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए वाला इक्वेशन है इसको बाद में सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड को हम सॉल्व कर लेते हैं, और वहां से क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, और वो जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा तो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि तीनों लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करेगा, ये पॉइंट जो आएगा इस लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये तो कंकरेंट का मतलब होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 को, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू ये 2 है, और यहां पे है 5x, और इक्वेशन 3 है हम लोगों को 2x, तो देखिए इक्वेशन 3 है हम लोगों को 2x प्लस वाई इक्वल टू है हम लोगों को 3 है। ओके, अब यहां पे देखिए कि ये प्लस वाई है माइनस वाई, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन है, अपोजिशन में क्या होता है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए 3x plus 2x हो जाएगा 5x equal to 3 plus 2, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, 5/5, ये कैंसिल होके 1 मिल गया, x का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। ओके, अब यहाँ पे क्या, इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 या 3 में किसी में भी, लेकिन पुट x equal to 1 इन इक्वेशन 1। ओके, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा,
इक्वेशन वन है हम लोगों को 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2 है, तो 3 इंटू एक्स का जगह हो गया 1 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। ओके आगे देखिए, ये हो जाएगा इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इधर आएगा तो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस वाई को उधर शिफ्ट करें तो प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल टू हो जाएगा वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो गया। और ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कितना मिल गया, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल गया x कॉमा वाई, यानी कि वैल्यू मिल गया 1,1। और ये पॉइंट जो होगा इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तीनों लाइन क्या है, कंकरेंट है। तो लिखेंगे दिस पॉइंट यानी कि 1,1 मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन 2। अब इस x और y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, यानी कि x के जगह 1 y के जगह 1 क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 5x प्लस ky इक्वल टू 3 है, x के जगह यहाँ पे 1 पुट कर दिए, 5 × 1 प्लस k इंटू 1 इक्वल टू 3। देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग को 5 प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो k का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 5, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2। ओके ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जो बताए कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।